जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो डीडी बासु ने ये किताब लिखी है, इसका लेटेस्ट वर्जन आया है 23rd एडिशन, तो इसे हम रिव्यू करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि क्या खासियत है इस किताब की और क्या ये जो लक्ष्मीकांत किताब है, जो बाइबल मानी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए, तो क्या उसे रिप्लेस कर सकती है, यह हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें डीडी बासु कौन थे इसके बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये काफ़ी बड़े एक लॉयर थे और उसी के साथ साथ ये अपॉइंट किए गए थे जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट और इमिनेंट ज्यूरिस्ट के तौर पर। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा है। उसी के साथ साथ उनके पास 6 डायरेक्टोरेट्स की पदवी है, इंक्लूडिंग रेयर डायरेक्टोरेट ऑफ लॉ ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो काफ़ी नामचीन और काफ़ी बड़े डीडी बासु एक इंसान है। और इनकी ही लिखी हुई किताब, इन्होंने ही पब्लिश की हुई किताब, मतलब इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो इसके पब्लिशर है वो है लेक्सिस निक्सिस। तो इसे रिव्यू करेंगे हम, 23rd एडिशन जो अभी नया आया है उसे। अब देखिए, जो डीडी बासु ने जो किताबें लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो काफ़ी अच्छी तो है ही और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन ये जो किताब है इसमें कुछ खासियत है। अब वो कौन सी खासियत है, कौन से फीचर्स है इसके, वो हम देखेंगे। तो जो पब्लिशर है लेक्सिस नेक्सिस, तो इन्होंने रिसेंटली 23rd एडिशन जो है ये किताब का ये निकाला है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और प्रेजेंट एडिशन जो है ये थरोली रिवाइज किया गया है इसमें, और काफ़ी चीज़ें जो है वो अपडेट की गई है। जैसे कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तक इस किताब में लाए गए हैं, और जो भी नोटेबल जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब ये जो किताब है इसके कुछ सैलियंट फीचर है, जैसे ये जो बुक है सिस्टमेटिक स्टडी बताती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें लॉजिकल चैप्टर्स भी शामिल किए गए हैं, जिससे कि अगर आप देखोगे तो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लक्ष्मीकांत देखते हैं तो हम काफ़ी फैक्चुअल नॉलेज जो है हमें प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें एनालिटिकल नॉलेज भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें लिखना है आंसर्स, तो हमें एनालिटिकल दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो किताब है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनालिटिकल दिमाग है हमारा, उसे तेज़ करती है। उसी के साथ साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी काफ़ी खूबसूरती से ये किताब जो है ये तय करती है, ये किताब दर्शाती है। उसी के साथ साथ फिलोसॉफी, जो फीचर्स है, वो जो नेचर है हमारे फेडरल सिस्टम का, वो भी काफ़ी खूबसूरती से किताब में दिया हुआ है। और ये जो किताब है ये अलाइन करती है बहुत ही खूबसूरती से जो यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे तरीके से कवर करती है। मतलब जिस किसी को भी ऑथोरेटिव सोर्स चाहिए होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए, तो उनके लिए किताब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे जनरल रीडर्स जो होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं, स्टेट्समैन जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो होती है, स्टूडेंट जो होते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन सभी के लिए जो किताब है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ साथ इसमें वेरियस टेबल्स भी ऐड किए गए हैं, और लास्ट जो पेज है किताब का उसमें एड वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, जो कि हमें जो लक्ष्मीकांत किताब है उसमें भी देखने को मिलता है, इंडेक्स, और जो की टर्म्स होती है उसके लिए इंडेक्स भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें लक्ष्मीकांत किताब में भी देखने को मिलती है। लेकिन जो एक एडिशनल फीचर, देखिए यहाँ पर काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाती है जो किताबें होती है, तो इसमें जो एडिशनल फीचर यहाँ पर लाया गया है वो है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें ऐड की गई है। तो अगर हम ये किताब रेफर करते हैं तो हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनालिटिकल दिमाग है वो काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन लक्ष्मीकांत किताब जो है वो सब कुछ कवर करती है। इसलिए अगर आप दोनों में से कोई भी किताब रेफर करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी किताब रेफ़र करनी है। आप ये भी किताब रेफ़र कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है, और आप लक्ष्मीकांत किताब अगर रेफ़र करते हो तो वो भी काफ़ी अच्छी है, आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो वो किताब अपने आँखों में छप जाती है। इसका मतलब है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और वो जब हम याद करते हैं कोई क्वेश्चन को, तो हमें अपने आप अपने जो विजन होता है उसमें उस पेज पर वो जो लेटर्स है वो लिखे हुए दिखते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक ही किताब जो है वो रेफ़र करें, ताकि हमारा जो विजन है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, जिससे कि एग्ज़ाम में हमें ये सारी चीज़ें जो है वो आसानी से याद आ सके। इसलिए अगर आप लक्ष्मीकांत किताब रेफ़र कर रहे हो तो वही रेफ़र करिए, और अगर आपने कोई भी किताब अभी रेफ़र नहीं की है तो आप दोनों में से कोई भी किताब रेफ़र कर सकते हो, दोनों एक ही तरीके की है। लक्ष्मीकांत जो है उसके बारे में जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वीडियोज़ जो है जाकर देख सकते हो, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कवर किए हैं। तो ये था रिव्यू इस किताब का।
तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक जो है वो रेफ़र करनी है। दोनों ही अच्छे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।